हेलो गाइस, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरी YouTube चैनल पे, मेरा पहला व्लॉग है ये। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा ऑलरेडी एक YouTube चैनल है और इस वीडियो पे मैं फर्स्ट अपनी वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज करवा चौथ है, मैं जस्ट काम करके घर आया हूँ अभी, और अभी मैं लिफ्ट में हूँ और मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ से मिलने। रोज ही मिलता हूँ लेकिन आज कुछ स्पेशल डे है, तो चलिए मनाते हैं करवा चौथ। देखिए कैसे मनाते हैं करवा चौथ कनाडा के अंदर। आ गए? अरे सॉरी, मैं शायद गलत जगह आ गया। अरे कैसे लग रहे हो? ओके ओके लग रहे हो? हाँ ओके लग रही है सर। हाँ अच्छी नहीं लग रही? अच्छी, ओके। आज मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे झुमके और ये सब पहने हैं। अच्छा, बहुत दर्द भी हो रहा है। आज अपना फर्स्ट व्लॉग है और मैंने सभी को कहा है कि आज व्लॉग के अंदर हम बताएंगे कि करवा चौथ है, वाइफ ने व्रत रखा है। ठीक है, तो चले चलते हैं। बिल्कुल, पहले तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ जिन्होंने भी फास्टिंग रखी है, हस्बैंड वाइफ। ओके चलो, फाइनली घर आ गए। और क्या तैयारी है करवा चौथ में आज? तैयारी तो कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ। अच्छा तुम तैयार हो, चलो वो भी ठीक है। चलो आओ चलते हैं फिर, आप देखते हैं क्या क्या तैयार किया है तुमने आज। कुछ नहीं, मैंने जो है एक थाली प्रिपेयर करी है जिसमें जब हम मून देखने जाएंगे तो थाली, और फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैंने थाली ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तैयारी ये है कि अभी जैसे ये जो प्लेट ली है हमने, आपने अगर हमारी नवरात्रि की व्लॉग देखी होगी तो हमने ये प्लेट और मुझे लोटा बहुत अच्छा लगा था, तो अब इसी को अरेंज कर रहे हैं। इसमें बस पानी डालना बाकी है, ये जो दिया जला रहे हैं और ये रखना बाकी है, बस सिंदूर ये मैंने रख ही दिया ऑलरेडी, बस अब देखना ये है कि मून निकल जाए। तुमने बताया नहीं मैं आज कैसी लग रही हूँ, इतनी मेहनत करके मैं तैयार हुई, कुछ बताया नहीं तुमने। अरे कैसी लग रही? अरे जच रही हो आप, खेल रही हो आप। चले क्योंकि ना अब अपने हमारे यहाँ से अब हमने जब देखा तो बालकनी से तो चांद दिख नहीं रहा है, तो अब एक ही ऑप्शन है कि हम नीचे जाएं हमारे बिल्डिंग के नीचे, और हो सकता है वहीं पे ही चांद दिखे तो हमको वहीं पे ही व्रत अपना तोड़ना पड़ेगा। बाकी बालकनी से हम दोनों ने देखने की कोशिश करी पर वहां से तो चांद नहीं दिख रहा है, तो चले फिर नीचे चले। चलो चलते हैं, क्या क्या लेना है ले लो सामान। ले लिया ऑलरेडी, ये सब ले लिया है। ये क्या पड़ा है साइड में? ये छलनी है। ये कौन सी छलनी है? अरे यार, हम पहले जब लेने गए थे तो वो वाली छन्नी हमको मुझे मिली नहीं थी, तो कायदे से तो मेरे को ये सब मिल गया था, जैसे प्लेट मिल गया और ये लोटा बहुत स्वीट सा, ये मिल गया, सब कुछ मिल गया, बट ये मुझे छन्नी नहीं मिली थी। अब मुझे इसी से काम चलाना है। अब ये वाली छलनी, मुझे डर ये लग रहा है कि अगर अभी चांद दिखानी तो ये तो तुम मेरे सर पे मार दोगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इसी ये छलनी देख के मुझे डर इसी बात का लग रहा है कि अगर आज चांद नहीं दिखा, अगर लेट हो गया, तो हो सकता है ये मेरे सर पे पड़ने वाला आज। चांद छुपा बादल में, चांद बादल में छुप चुका है और अनीता जी का इंतज़ार पड़ता जा रहा है। यार 9 बज रहे हैं अभी और ज़्यादातर तो यहाँ पे जल्दी निकल जाता है चांद। आज अभी मैं बालकनी में जाके देख रहा था, चांद ही नहीं दिख रहा। आज जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन ही आपको जो है चांद नहीं निकलेगा। यानी चांद को कैसे पता चल जाता है कि करवा चौथ है और इस टाइम पे छुप जाना है उसको, ऐसा क्या है चांद के अंदर? हाँ, जबकि आज करेक्ट टाइम पे निकलना चाहिए बट आज ही नहीं निकलेगा। हाँ ये एक प्रॉब्लम है, तो यार अब तो यही एक ऑप्शन है कि गाड़ी लेके चलते हैं। हाँ। और देखते हैं कहीं ना कहीं कहाँ छुपा हुआ चांद, जहाँ पे भी निकले वहीं तो तोड़ सकते हैं। चांद अपने पे इतना घुमाना कर, हमने बहुत से चांद देखे हैं, अरे जल्दी निकल जाओ वरना छलनी मेरे सर पे पड़ने वाली है प्लीज। ओके गाइस, तो चांद तो निकल नहीं रहा हमारी बालकनी से, हमने ट्राई किया बालकनी में तो दिख नहीं रहा, तो क्या करें अब? चलो बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ वही एक ऑप्शन रह गया। तो पिछले साल भी मुझे याद है हम लोग घूमते रहे उसके बाद दिखा था, और जब मैं मस्कट में था तो मैं और मेरी सिस्टर भी रखती है करवा चौथ का व्रत, तो उस समय भी हमें याद है वहाँ तो पहाड़ियों में जाके थे हम कार वार लेके, मैं मेरे सारे भाई बहन सारे करवा चौथ के टाइम पर पहाड़ियों में जाके कहीं जाके दिखता था। तो सफारी ड्राइव हो जाती थी उस समय,
तो आज देखते हैं कहाँ पे दिखता है चांद, यहाँ पे कनाडा के अंदर जो आए आप। अरे भाई ये क्या कर रही हो तुम अभी? अरे भाई मैं सूट और ये सब जो है ये इसी में से निकाले थे, अब ये बंद करके वापस अंदर डालने। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए कर रहे हो क्या? मैं तो डर गया भाई, मुझे लगा पता नहीं क्या कर रही है, ये पैकिंग वैकिंग स्टार्ट कर दी करवा चौथ वाले दिन, मैं तो टेंशन में आ गया। चलो तैयारी हो गई, फ्लाइट पकड़नी है ना? चांद को देखने के लिए, चांद दिख नहीं रहा तो हम ड्राइव करके देख रहे हैं कि कहीं पे भी जहाँ पे दिख जाए वहीं पे फिर हम गाड़ी स्टॉप करके और वहीं पे कर लेंगे। वैसे मेरे फ्रेंड ने बोला है चांद तो निकल गया, लेकिन अभी क्योंकि हमारी जो बालकनी है वो उस साइड से नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम थोड़ा एक राउंड लगा के देख रहे हैं कि चांद कहीं दिख जाए। आपको भी दिखाते हैं कनाडा का चांद है, चांद कनाडा का अब जाके बाहर निकला है, तो ये रहा चांद। यार ये चांद आधा लग रहा है मुझे, नहीं थोड़ा सा कटा हुआ है, बाकी फुल तो फुल चांद तो नहीं है, फुल चांद नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। हां अभी बड़ा हो रहा था वो। चलो थैंक गॉड चांद तो निकल गया। टिम हॉर्टन्स के जस्ट ऊपर निकला है चांद, टिम हॉर्टन्स के जस्ट ऊपर, टिम हॉर्टन्स की छाया मतलब है ना, टिम हॉर्टन्स का इसकी सेल बढ़ जाएगी अब मुझे लगता है। बिल्कुल टिम हॉर्टन्स के ठीक ऊपर है, आप देख सकते हो ये नीचे टिम हॉर्टन्स है और ऊपर है हमारे चांद मामा। ये चांद मामा होता है या चांद चाचा होता है? चांद मामा होता है, मैं तो चाचा हूं। चांद और इनमें से अब हम जो है शानू को देख सकते हैं। और ये रही हमारी छलनी, और ये रही हमारी छलनी। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, ओ चांद को देखूं हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, पीले हाथ से पीतर पानी दासी से बन जाऊं। ओके तो फाइनली आ गए हम और चांद भी दिख गया, करवा चौथ का आपका व्रत भी टूट गया। अब जो है अब खाना खाएंगे, बहुत भूख लग रही है सुबह से, अब खाना खाएंगे। हाँ और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारे ब्लॉग चैनल पे है, और हम आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस कनाडा लाइफ से रिलेटेड हम इसमें अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।